गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि तो आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त मंगलवार 2023, श्री सुसम्मत 2080, शक सम्मत 1945, शुद्ध श्रावण मास, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:32 तक, तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा। दिशा सूर्य, उत्तर दिशा परिहार गुण। कहने का मतलब यह है, आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अशुभ है। अगर आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो आप गुड़ खाकर यात्रा करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का प्रारंभ राहु काल में ना करें। अगर आप किसी शुभ काम को करना चाहते हैं या यात्रा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप गुलिक काल में प्रारंभ करें। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि प्रा। प्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, प्रेम है, प्रियांशु है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रा को आप पा से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है। त्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे त्रियुगी है, त्रिवेणी है, तो त्रा में भी आप टेंशन मत लें, त्रा को आप ता से देखें। इसी तरीके से ज्ञा से भी लोगों के नाम हुआ करते हैं, ज्ञा भी दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे ज्ञान सिंह हैं, ज्ञानवती हैं, तो आपको ज्ञा से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्ञा को आप गा से देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है। श्रा से भी बहुत लोग के नाम हुआ करते हैं, जैसे कि श्रीचंद है, श्री राम है, तो श्रा से भी आप डरे नहीं, श्रा को आप श्रा से देखें। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें आपको राशि फल और राशि परिचय दोनों साथ साथ बताते हुए चलेंगे। फिर भी अगर हमारी बात कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे संपर्क करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मेष, मेष राशि में आने वाले अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो आ। मेष लग्न राशि के जातकों, आज मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, माता का भी आपको सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, लाल मसूर का दान करें। वृषभ, वृषभ राशि में आने वाले अक्षर ई उ ए ओ बा बी बू वे बो। वृषभ लग्न राशि के जातकों, भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, यश प्राप्त होगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, आज का दिन अच्छा है। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। मिथुन, मिथुन राशि में आने वाले अक्षर का की कु घा अंगा छा के को आ। मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज परिवार से कुछ मतभेद होने के योग बन रहे हैं, धन हानि भी हो सकती है, चिंता
बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण कर। कर्क राशि में आने वाले अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे डो। कर्क लग्न राशि के जातकों, आज पति पत्नी में मतभेद होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में केवड़ा जल डालकर स्नान करें। सिंह राशि में आने वाले अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू टे। सिंह लग्न राशि के जातकों, आज आप सतर्क रहिए, स्वास्थ्य बिगड़ने के योग बन रहे हैं, दिमागी टेंशन बढ़ सकती है, फिजूल धन बर्बाद होगा, परंतु बाहरी लोगों से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। कन्या राशि में आने वाले अक्षर टो पा पी पू खा रा ठा पे पो। कन्या लग्न राशि के जातकों, आज संतान पक्ष से मतभेद होने के योग बन रहे हैं, कुछ दिमागी उलझन बढ़ सकती है, परंतु धन का लाभ होगा, बड़े भाई का भी सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर। तुला राशि में आने वाले अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू ते। तुला लग्न राशि के जातकों, माता से मतभेद होने के योग बन रहे हैं, जमीन जायदाद के मामले में कुछ दिक्कत आ सकती है, परंतु पिता का सहयोग आपको मिलेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं, पिता को भी सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, वस्त्रों में अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि में आने वाले अक्षर तो ना नी नू ने नो या ई यू। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता के चांस बन रहे हैं। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, यश मिलेगा, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ा। धनु राशि में आने वाले अक्षर ये यो भा भी भू ढा फा ढा भे। धनु लग्न राशि के जातकों, कुछ पारिवारिक मतभेद रहेंगे, धन खर्च होगा, आयु की वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। मकर राशि में आने वाले अक्षर भो जा जी खी खू हे हो गा गी। मकर लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन खिन्न रहने के योग बन रहे हैं, रोजगार में लाभ होगा, गृहस्थ सुख आपको प्राप्त होगा, पति पत्नी में प्रेम रहेगा। विशेष उपाय, पूरे बदन में सरसों के तेल से मालिश करके स्नान करें। कुंभ राशि में आने वाला अक्षर गु गे गो सा सी सू से सो दा। कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज धन की बर्बादी होने के आसार दिख रहे हैं, बाहरी संबंधों के प्रति सतर्क रहें, चिंता बढ़ेगी, शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। विशेष उपाय, हनुमान जी की सेवा करें। मीन राशि में आने वाले अक्षर दी दू था या या दे दो चा ची। मीन लग्न राशि के जातकों, आज थोड़े से धन का लाभ होगा, बड़े भाई से कुछ मतभेद होने के योग बन रहे हैं, संतान का सहयोग मिलेगा, छात्रों को आज विशेष विद्या का लाभ प्राप्त होगा। विशेष उपाय, असली केसर का माथे पर तिलक लगा। अगर आप अपने राशफल में ज्यादा सटीकता चाहते हैं, आपने राश को लग्न से देखा। अगर आपको अपने लग्न नहीं जानकारी है तो हमसे संपर्क करके आप अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। लग्न बताने का हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। हमारे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर के सामने, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता की।